दोस्तों एक दिन एक राजा ने अपनी कक्ष की खिड़की से महल के दरवाजे के ऊपर एक भिखारी को पीठ रगड़ते हुए देखा, तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस भिखारी को पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही फौरन गए और उस भिखारी को पकड़कर ले आए। जब राजा ने भिखारी से पूछा कि तुम महल के दरवाजे पर पीठ क्यों खुजला रहे थे, तब भिखारी ने कहा कि मेरे पीठ में खुजली हो रही थी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। इस पर राजा ने उसे 20 स्वर्ण मुद्रा इनाम के तौर पर दे दी। ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। कुछ समय बाद दो भिखारी आए और फिर राजा के महल के दरवाजे पर अपनी पीठ रगड़ने लगे। ये सब राजा ने देखा और उन दोनों को भी सिपाही पकड़ कर लाए। जब उन दोनों से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तब वो दोनों भिखारी कह रहे थे कि हमारी पीठ में खुजली हो रही थी। ये बात सुनकर राजा आदेश देते हैं कि इन दोनों के पेट की खुजली ठीक करने के लिए इन पर 20-20 कोड़े मारे जाएं। ये सुनकर दोनों भिखारी डर गए, लेकिन दोनों ने राजा से पूछा कि आपने तो पहले वाले भिखारी को 20 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, फिर हमें सजा क्यों? इस पर राजा कहते हैं कि वो पहला वाला भिखारी सच बोल रहा था। तुम यहाँ सच नहीं बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारी पीठ में खुजली होती तो तुम एक दूसरे की पीठ खुजला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम सिर्फ लालच की वजह से यहाँ आए हो। ये बात सुनकर दोनों भी शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें उनकी करनी की सजा भी मिल जाती है। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।